हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की एन इकोसिस्टम सिस्टम ऑफ टू बेसिक कंपोनेंट्स जैसा कि आपने पहले वाले लेक्चर में देखा एबायोटिक कंपोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग होते हैं एंड बायोटिक कंपोनेंट्स जो कि लिविंग होते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड ए बायोटिक ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड होलोसिनोसिस Now, let us discuss about the abiotic components. Abiotic components of an ecosystem include all chemical and physical elements that is, non living components. Abiotic components can vary from region to region and from one ecosystem to another ecosystem. दैट मीन्स ए बायोटिक कम्पोनेंट्स हर एकको सिस्टम में अलग अलग हो सकते हैं मोर और लेस दे आर डिफरेंट दे डिटामाइन एंड रेस्ट्रिक्ट द पॉपूलेशन ग्रोथ नंबर एंड डायवर्सिटी ऑफ बायोटिक फैक्टर्स इन एन इको सिस्टम मतलब इको सिस्टम के अंदर जो बायोटिक जो भी डायवर्सिटी है बायोटिक फैक्टर्स की या उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है या ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड करती है ए बायोटिक कम्पोनेंट्स पर हैं दे आर कॉल्ड द लिमिटिंग फैक्टर्स लिमिटिंग फैक्टर्स जैसे कि सपोज सनलाइट है ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट ए बायोटिक फैक्टर है जो कि लिमिटिंग है इसका जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि डीप ओशियंस हैं डीप ओशियंस में एक एक डेप्थ के बाद क्या है जो सनलाइट है वो नहीं मिलती है वहाँ पर दैट मीन्स उस जगह पर क्या है जो सनलाइट है वो है लिमिटिंग फैक्टर है एंड ए टेरेस्ट्रीय इकोसिसटम कंसिस्ट ऑफ और ये जो दो इकोसिसटम सपोज टेरेस्ट्रियल है या एक्वाटिक इकोसिसटम है ए बायोटिक फैक्टर्स भी अलग अलग होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अ टेरेस्ट्रियल इकोसस्टम कंसस्ट ऑफ ए बायोटिक फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट टाइप ऑफ साइज टाइप ऑफ सॉइल और रॉक आल्टीट्यूड टेम्परेचर न्यूट्रिय एंड मिनरल उसी तरह से हम देखें कि एक्वेटिक सिस्टम में क्या होंगे ए बायोटिक कम्पोनेंट्स ये होंगे इनकलूड इट इंक्लूड्स डिजॉल्व गैसेज डेप्थ ऑफ वाटर सैलिनिटी पी एच ऑफ वाटर लाइट इंटेंसिटी एक्सेट्रा चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द सन लाइट सनलाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ जैसे कि आप सबको पता है विच मेक्स इट एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस ओके तो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन इसे हम कहते हैं पी ए आर ये इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो पी क्या है इट डेजिग्नेस द स्पेक्ट्रम रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन और ये स्पेक्ट्रम रेंज क्या है इट रेंजेस फ्रॉम 400 टू 700 हंड्रेड नैनोमीटर्स दैट फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू यूज़ इन द प्रोसेस ऑफ फ़ोटो तो ये जो रेंज है उसी में ही फोटो जो प्लांट्स हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं फोटो के लिए अब ऑन द इंसिडेंट ऑफ सोलर रेडिएशन लेस देन 50 परसेंट ऑफ़ इट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन दैट मीन्स जो पी का जो पी है उसका ओ, सिर्फ लेस देन 50 परसेंट ही फोटोसिंथेसिस में फ़ोटो सिंथेटिकली एक्टिव होता है उसके बाद नेक्स्ट लेवल के प्लांट्स एंड फोटो सिंथेटिक एलगी जो कि जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं बिकॉज दे मेक दियर ओन फूड फिक्स सन्स रीडिंग एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम द सिंपल फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल्स द जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो सन्स की एनर्जी को ट्रैप करते हैं रेडिएंट एनर्जी को और उससे क्या बनाते हैं फूड बनाते हैं अब प्लांट क्या करते हैं एक तो पी ए आर हो गई फिर मोर देन लेस देन फिफ्टी परसेंट इज फोटो सिंथेटिकली एक्टिव होता है अब उसमें भी क्या है प्लांट कैप्चर्स ओनली टू टू टेन परसेंट ऑफ द पी ए आर जो भी पी ए आर है दैट इज़ फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन उसका प्लांट्स के कितना कैप्चर करते हैं ओनली टू टू टेन परसेंट एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेंस द एंटायर लिविंग वर्ल्ड मतलब जितना भी आपके पास जो सनलाइट है उसका सिर्फ हम कितना यूज़ कर रहे हैं ओनली टू टू टेन परसेंट जो कि फोटोसिंथेटिकली जिससे कि प्लांट्स फूड बना रहे हैं और उससे वर्ड्स क्या कर रहा है सर्वाइव कर रहा है एनर्जी डिटर्माइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स इन द एन्वायरमेंट प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ओके अब इसको हम क्या समझते हैं एनर्जी डिटर्माइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द एवायरमेंट मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अलग अलग एनर्जी लेवल होगा अलग अलग लेवल पर तो हम स्टार्ट करेंगे प्रोड्यूसर्स हैं फिर कंज्यूमर्स हैं उस तरह से एनर्जी लेवल अलग होगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन की प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होगा जो कि फोटोसिंथेटिक्स फोटोसिंथेसिस से बनता है तो व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्शन इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस तो जब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी ऑर्गेनिक मैटर बनता है पर यूनिट एरिया एन अन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो क्या कहलाता है प्राइमरी प्रोडक्शन और इसकी ये यूनिट दे रखी है उसके बाद नेक्स्ट क्या था रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज़ कल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो व्हाट इज़ प्राइमरी प्रोडक्शन एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए और इनके यूनिट्स मैंने मेंशन कर रखी हैं ये आपको पता होनी चाहिए उसके बाद नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो टर्म्स हैं वो हैं जी पी पी दैट इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन ये क्या होता है इट कैन बी डिवाइडेड जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो हम डिवाइड कर सकते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बनना है वो क्या कहलाएगी उसकी ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अब उसके बाद क्या होता है जो एक अकंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जी पी पी इज़ यूटिलाइज बाय द प्लांट्स इन रेस्पिरेशन अब जितना भी जी पी पी है उसमें से कई पार्ट उसमें से मोस्ट ऑफ़ द पार्ट किस में यूटिलाइज हो गया प्लांट्स के खुद के रेस्पिरेशन में तो जो बचा पार्ट है वो क्या कहलाता है एन पी पी दैट इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन दैट इज़ आर इज़ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जैसे आप देख सकते हैं जी पी पी माइनस आर इज इक्वल टू एन पी ओके तो दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजक्शन टू हीट्रोट्रॉफ्ट तो अब जो फर्स्ट लेवल क्या है प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स में सबसे पहले क्या होगा जी पी पी दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फिर उसके बाद उन्होंने रेस्पिरेशन किया तो क्या बच गया एनपीपी दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो अवेलेबल बायोमास है किसके लिए नेक्स्ट लेवल के जो कंज्यूमर्स हैं जो कि हिटरोप्स है ओके okay? चाहे वो हर्बी हो चाहे डी हो उसके बाद सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द हर्बी तो जो सेकेंड लेवल पर होएगी वो क्या होएगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ओके नेक्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर्स तो सबसे पहले हमने ए बायोटिक कंपोनेंट्स में डिस्कस कर लिया डिटेल में सनलाइट जिससे कि आपने क्या पता लगाया कि प्रोडक्टिविटी क्या है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है जीपीपी क्या है एनपीपी क्या है पी क्या है ओके नाउ क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच इंक्लूड द क्लाइमेटिक रिजीम एंड फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द एन्वायरमेंट अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे लाइट ह्यूमिडिटी एटमोसफेरिक टेम्परेचर विंड एक्सेट्रा अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं वो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं यूरीथर्मल ओके बट अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ दैम आर रेस्ट्रिक्टेड टू अरो रेंज पर अधिकतर ऑर्गेनिजम्स सिर्फ नैरो रेंज में ही सर्वाइव कर सकते हैं सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं स्टेनोथर्मल कहते हैं इसी तरह से यूरी हेलाइन देट मीन्स जो कि वास्ट हेलाइन रेंज में या सेलिनिटी में सर्वाइव कर सकते हैं स्टेनो हैलाई जो कि कम जो जिनकी नैरो रेंज होती है सेलिनिटी को टॉलरेट करने के लिए ओके okay? नेक्स्ट क्या है सॉइल तो सॉइल को हम कहते हैं एडेफिक फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल तो ये फैक्टर्स किस से रिलेटेड हैं सॉइल से रिलेटेड हैं उसकी कम्पोजिशन क्या है स्ट्रक्चर क्या? क्या है इट ऑल्सो इंक्लूड्स इट फिजिकल एंड कैमिकल प्रॉपर्टीज जबकि कि सॉइल की टाइप क्या है सॉइल प्रोफाइल मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर सॉइल वाटर सॉइल ऑर्गेनिज्म ये सब क्या कहलाते हैं एदेफिक फैक्टर्स उसके बाद आ जाता है हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या लाइक वाटर कार्बन सल्फर नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ऑन so देन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये इंक्लूड करेंगे प्रोटीन्स लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ह्यूमिड सब्सटेंसेस, एक्सेट्रा ओके okay, नेक्स्ट रिस्पॉन्स टू ए फैक्टर्स अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं किसको एबायोटिक ए बायोटिक फैक्टर्स को ओके okay? तो देयर आर वेरियस वेज इन विच ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड टू द वेरियस ए बायोटिक कंपोनेंट्स दे इंक्लूड द फॉलोविंग अब किस तरह से वो अपने रिस्पॉन्स देते हैं उसके हिसाब से हम उनको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है रेगुलेट रेगुलेट का क्या मतलब है इट इज़ द मैकेनिज्म यूज बाय द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द कांस्टेंट कंडीशन इन द बॉडी मतलब कि वो अपना बॉडी जो है उनकी वो कांस्टेंट रहती है चाहे जो ए बायो टेम्परेचर है सपोज वो हाई या लो होता रहा पर जब उनका बॉडी है वो सेम रहती है जैसे इसका परफेक्ट एग्जांपल है ह्यूमंस ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू मेंटेन homeostasis in terms of body temperature.

कॉन्फॉम Conform. कॉन्फॉम्स क्या होते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी कंडीशन ओके जैसे ह्यूमन्स में होता है इस तरह से और ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता एंड दे हैव ए फ्लक्चुएटिंग बॉडीली कंडीशन एज पर द एनवायरमेंट मीन्स अकॉर्डिंग टू द एन्वायरमेंट उनकी जो बॉडी कंडीशनस हैं वो चेंज होती जाती हैं और उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स नेक्स्ट क्या है माइग्रेट माइग्रेट में क्या होता है जैसे आपने माइग्रेंट माइग्रेंट बर्ड्स और ये सब आप सुनते ही आ रहे हो तो ये क्या होता है सम ऑर्गेनिजम्स ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर वेदर कंडीशन एंड रिटर्न वन द वेदर कंडीशन इज़ रेस्टोर तो मतलब जहाँ पर वो रहते हैं ऑर्गेनिज़म्स वहाँ पर वेदर कंडीशन यदि उनके लिए सूटेबल नहीं होती तो वो फार ऑफ प्लेस पर क्या चले जाते हैं चले जाते हैं इसका परफेक्ट एग्ज़ाम्पल क्या बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया अपन साइबेरियन क्रीज या साइबेरियन बर्ड्स के बारे में डिस्कस कर हैं, तो ये माइग्रेट टू साउथ टू साउथ टू अवॉइड कोल्ड वेदर तो माइग्रेट होते हैं विंटर को अवॉइड करने के लिए okay, अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है सस्पेंड सस्पेंड का क्या मतलब होता है सम ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट तो मतलब कुछ ऑर्गेनिज़म्स में ये क्या करते हैं हार्श एनवायरनमेंट के लिए उनमें कुछ और चीज़ें होती हैं जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन दैट मीन्स वो स्पोर या एनकेप्सुलेटेड फॉर्म में स्पोर बनते हैं और वो ज़मीन में या कहीं डेब्रिस्ट में उसमें पड़े रहते हैं और जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं तो अब या और उसके बाद एक और टर्म है हाइबरनेशन जैसे कि फ्रॉग हाइबरनेट करते हैं एक्सट्रीम विंटर्स में और वो इसी तरह से बी आर गोइंग टू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर इज़ अनदर एग्जांपल Now biotic factors biotic factors are all the living things in an ecosystem such as plants and animals these living mm, jo, jo, these living things interact with one another in many ways biotic factors and their interactions can be broken down into primary producers all plants. Uh, uh, ब्रोकन डाउन into प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑल plants, सच as ग्रासेस ट्रीज आर प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स मतलब जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कौन से होंगे अभी देखता है ग्रीन प्लांट्स होंगे ओके तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स Uh, क्या होते हैं ऑटोट्राफ्स होते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होती है या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि सनलाइट के बिना भी uh, अपना दे मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग केमिकल्स और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स तो इंटरस्ट्रियल इकोसिस्टम द ऑटोट्रॉप आर मेनली द रूटेड प्लान्ट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम फ्लोटिंग प्लान्टॉल फाइटो प्लैंगटॉन्स एंड शेलो वाटर रूटेड प्लान्टॉल मैक्रोफाइट्स आर द डोमिनट प्रोड्यूसर्स और उसके अलावा जो मैंने बताया ब्लू ग्रीन एलजी एल्गी हो सकती हैं या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं नेक्स्ट कंज्यूमर्स तो सबसे पहले लेवल पे क्या आएगा प्रोड्यूसर्स जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे क्या आएगा कंज्यूमर्स तो कंज्यूमर्स में सबसे पहले या हीट्रोट्राफ्स तो दीज ऑर्गेनिजम्स मोस्टली ये एनिमल्स होते हैं और ये किसको खाते हैं प्रोड्यूसर्स को खाते हैं एंड अदर एनिमल्स मतलब या तो वो प्रोड्यूसर्स को खाएंगे या अदर एनिमल्स को खाएंगे दे मे ऑल्सो ई डीकम्पोजर्स कंज्यूमर्स ऑल्सो रेफर टू एज फैगोट्रॉफ्स फेगोमेंट्स टू इंजेस्ट और स्वेलो और मैक्रो कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स आर फर्दर कैटेगराइज एज हर्बीवर्स कार्निवर्स ओमनीवॉर्स एंड पैरासाइट्स डैट मीन्स जो कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो किसको वो हर्बिवर्स होएगा मेनली जैसे सपोज आप कह सकते हैं कि प्लांट्स प्रा, हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हर्बी वर्ड्स हैं सपोज़ आप रैबिट ले सकते हैं फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर सपोज वुल्फ हो सकता है फिर टर्शरी कन्ज्यूमर्स जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहा है या प्राइमरी को खा रहा है वो टाइगर हो सकता है तो ये अलग अलग लेवल्स हैं जो कि फूड चेन को बनाते हैं तो एंड कंज्यूमर्स डेट ओनली ईट प्लांट्स वो हर्बीवर्स होते हैं और दे आर ओफन दे आर ऑफन नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स तो ये कंज्यूमर्स का लेवल है सबसे पहले कोई भी फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होगी प्रोड्यूसर्स से फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स और जो डी कम्पोजर्स है वो हर लेवल पर एक्ट करते हैं ओके डी कम्पोजर्स जो हैं वो हर भी वो हर प्रोड्यूसर्स पर भी एक्ट करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स पर भी सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर भी एक्ट टर्शरी कंज्यूमर्स पर भी डी कम्पोजर्स को हम लेट्स डिस्कस दें डीकम्पोजर्स मतलब सेप्रोट्रॉप्स वॉट आर डी कम्पोजर्स जो कि ये सेप्रोट्रॉप्स हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव करते हैं सेप्रोट्रॉप्स दैट इज रॉटन एंड फीडर दे आर ऑल्सो कॉल्ड डी कम्पोजर्स और रिड्यूसर्स दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ डेड मैटर प्लांट्स और एनिमल्स जो भी डेड ऑर्गेनिक है जैसे डेड प्लांट है डेड एनिमल है उन पर यह सर्वाइव करते हैं और उनको क्या कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही ब्रेक कर देते हैं इन टू दियर सिंपलर फॉर्म्स और ये मेनली क्या करते हैं बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई होते हैं डीकम्पोज डू नॉट इंजेस्ट दियर फूड वो ये नहीं कि फ़ूड को इंजेस्ट कर रहे हैं इंस्टीट दे क्या करते हैं द सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन टू डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मटीरियल्स मतलब ये नहीं है कि जो वो डेड और डेड जो एनिमल है या प्लांट है उसको खा रहे हैं वो उसको क्या करते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं वो सीक्रेट करते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि क्या करता है उनके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक कर देता है और उसके बाद फिर उनको वो आ, उसको वो यूज़ करते हैं एंजाइम्स एक्ट अपॉन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द डेड मैटर एंड डीकम्पोज एबजॉर्ब अ पार्ट ऑफ द डी कम्पोजिशन प्रोडक्ट्स फॉर देयर ओन न्यूट्रीमेंट्स और फिर उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने नरिशमेंट के लिए द रिमेनिंग सब्सटांसिस आर एडिड एज मिनरल्स टू द सब्सटेटम और जो बाकी चीज़ें रह जाते हैं वो आपकी सॉइल के अंदर एड हो जाते हैं इसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन रिलीज मिनरल्स आर रीयूज यूटिलाइज एज न्यूट्रींस बाय द प्लान्टैट इज़ प्रोड्यूस तो आप देखें ये डी कम्पोजर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है यदि डी कम्पोजर्स ना हो तो जो पूरा अर्थ है ना वो क्या हो जाएगा ये बदबू से भर जाएगा तो इनको हम क्या कहते हैं ये आर दे, ये क्या है बिल्कुल एक सफाई कर्मचारी की जैसे या स्केवेंजर्स की जैसे एक्ट करते हैं उसके बाद और एक टर्म है डेटरीवोर्स डेटरीवर्स का एग्जाम्पल है अर्थवम ये भी क्या करते हैं दे बेग ब्रेक डाउन डेट्रीटस इन स्मॉलर पार्टिकल्स डैट मीन जो ये डेट्रीटस भी क्या होता है डेड ऑर्गेनिक मेटर इसको स्मॉलर पार्टिकल्स में करते हैं और फिर बाद में कंज्यूमर्स इन पर फाइनली एक्ट कर सकते हैं ओके थैंक यू वेरी मच ये जितनी भी टर्म्स इसके अंदर हैं वो आप उनको लर्न कीजिएगा शॉर्ट आंसर्स भी बन रहे हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहे हैं और मेनली टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं थैंक यू